मोहब्बत का एक लम्हा जिंदगी बन जाता है, पर एक लम्हे के सहारे जिंदगी गुजारना मुश्किल, बहुत मुश्किल। तुम्हारे इंतजार में आंसू भी सूख गए, जो सपने संजोए सारे टूट गए। प्यार, प्यार कितना तड़पाता है, कितना तरसाता है, फिर भी ये दिल क्यों चाहे तुम्हें, क्यों मांगे तुम्हें, विकी मेरे जीवन साथी। छुपा के रखूं, सांसों में बसा के रखूं, सीने से लगा के रखूं, पलकों में बिठा के रखूं, मैं तुझे चाहूंगा इस तरह मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, तेरे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, तेरे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। देखा बस देखा तुझे, चाहा बस चाहा तुझे, सोचा बस सोचा तुझे, मांगा बस मांगा तुझे, सब मेरे पास है, बस तेरी है कमी। मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, जीवन साथी, तेरे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। कभी रुख मोड़ दूं, तुमसे नाता मैं जोड़ दूं, सारी रस्में तोड़ दूं, तेरे लिए जग छोड़ दूं, मांग ले तू अगर जान दे दूं अभी। मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, तेरे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। मेरे जीवन साथी,
शादी, तेरे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, तेरे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। तुम्हारी परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है मिस्टर साहब, ये सब आप ही की वजह से हुआ है। नहीं मिस्टर ओबेरॉय, हमने तो वही किया जो हमारे अमेरिकन ऑफिस ने कहा था। माँ अंजलि कहाँ है? वो वहाँ खड़ी है। अंजलि जल्दी बैठो, जल्दी बैठो बिफोर दे कम। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। कांच बंद कर लो, कांच बंद कर लो। जी मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप यहाँ इतनी दूर अकेली क्यों खड़ी हुई थी? मैं यहाँ खड़ी रहकर आपकी सक्सेस देख रही थी। मेरी सक्सेस नहीं, हमारी सक्सेस। मेरा प्रसाद। अरे वो तुम्हें घर पर ही भूल आई। नहीं नहीं, वो प्रसाद नहीं, ये प्रसाद। अच्छा। कल रात संगीत की दुनिया में एक नए सितारे ने कदम रखा, विकी। उनके शो का रिस्पांस अनबिलीवेबल था। मेरे जीवन साथी इस साल का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन चुका है। जिस स्टाइल और ग्रेस के साथ विकी ने परफॉर्म किया वो अंदाजे बयां था। उनके फीमेल फैंस पर विकी का नशा छाया रहा। लगता है ये सितारा कामयाबी के नए मकाम हासिल करके रहेगा। एंटरटेनमेंट बस पर खबरें और भी, लेकिन उससे पहले देखिए ये विकी है ना? मेरे जीवन साथी। अरे मुझे पता ही नहीं था ये भी जिम का मेंबर है। क्या बात कर रहा है, मैं तो शो पर ही था। इट वॉज फैंटास्टिक, व्हाट अ परफॉर्मेंस। चलो चलो मिलते हैं। हाय आई एम साहिल। हाय हाय आई एम मेहनाज। हाय आई एम दीप्ति। हाय मैंडी। हाय आई एम रीता। हाय आई एम मनीष। हाय मनीष। आई लव योर म्यूजिक, यू गॉट अ ग्रेट वॉइस। वैसे आपका नेक्स्ट एल्बम कब रिलीज होगा? आई एम वर्किंग ऑन इट। आपका नेक्स्ट शो कब है? कुछ ही दिनों में। जब भी हो प्लीज हमें पासेस दे देना, इस बार तो पासेस ही नहीं मिले। सॉरी अबाउट दैट। माय सिस्टर वाज रेविंग अबाउट योर म्यूजिक, शी इज योर बिगेस्ट फैन। आई एम श्योर यू गोना बिकम अ ग्रेट स्टार। थैंक्स। या श्योर श्योर। ऑटोग्राफ प्लीज। एक पेपर ले आइए, आई विल गिव ऑन दैट प्लीज। आई एम सॉरी। बाय बाय बाय। हम लोग 3 साल से इस जिम में आ रहे हैं और आज तक तुम्हें किसी ने पहचाना नहीं, और सिर्फ एक सक्सेसफुल शो के बाद तुम्हारे कितने चाहने वाले हो गए है ना? यस। लेकिन मेरी चाहत सिर्फ तुमसे शुरू होती है और तुम ही पे खत्म होती है। It was just so funny. अले विकी बाबा। ये कौन है? अले थाई लाम लाम, मैं मौलानी। और मैं तोलानी। हम दोनों की मंगल थनी की दुखती है, मतलब हम दोनों पार्टनर हैं। एम्प्टी एंटरटेनमेंट। एम्प्टी यानी कि खाली। अरे नहीं बाबा, एम्प्टी मतलब मोलानी एंड तोलानी, नंबर वन थो कंपनी। अरे हम लोगों ने थो तबला डबल दत प्रोग्राम बनाया। 10-12 तो तरेंगे अमलिता में, 10-12 तो तरेंगे लंदन में, और 15-20 तो तरेंगे यूरोप। बहुत ताले ठोक लेंगे हम। लाभ तान पर गुलू की अच्छी तिथि है, प्लोपति प्लोपित है साई। अले ताई आधा लाख रुपया। आधा लाख? आधा लाख मतलब बिकी थाई 50,000। 50,000 रखो, बात पक्की, प्रोग्राम नक्की। देखिए मैं सिर्फ परफॉर्मर हूँ, बिजनेस का काम मेरे डैडी या मेरे सेक्रेटरी मैक्स संभालते, आप ही एडवांस वापस ले। अरे ऐसा मत करना भैया, लाहुकाल है, लाहुकाल। लाहु तुमको बहुत बड़ा स्टाल बनाएगा। लाहुकाल में पैसा देने से चुभी चुभ होता है, मतलब मत करना भैया। नहीं हो सकता, पैसे तो तुम गतल में डाल देना, कतले के डब्बे में फेंक देना, आग में लगा देना, लेकिन हमसे हमारी तित मत मत छीनो। ये लो 50,000 ऑल।
फूले हुए 1,00,000। चलो भाई, चलो अगला। मेरी बात तो सुनिए। अब राय साहब, आर्टिस्ट की किस्मत डायमंड जैसी होती है। हीरा खदान में मिट्टी के मोल रहता है और कोई जोहरी उसे तराश कर करेक्ट मार्केटिंग कर दे तो अनमोल हो जाता है। सर, हमारा विकी हीरा नहीं है, कोई नूर है सर, कोई नूर। हमारी पेरेंट कंपनी एंजल म्यूजिक अमेरिका ने फैसला किया है कि विक्की को इंटरनेशनली लॉन्च किया जाए। क्या बात है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपकी अमेरिकन ऑडियो कंपनी की नजर मेरे बेटे पर पड़ सकती है। ये देखिए, अमेरिका से हमारे लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। विकी के वर्ल्डवाइड शोज होंगे, एल्बम्स रिकॉर्ड होंगे। अब राय साहब, ये डीलिंग कहां तक पहुंच सकती है इसके बारे में ना आप सोच सकते हैं और ना मैं अंदाजा लगा सकता हूं। वाह, क्या बात है। लेकिन हमारी एक शर्त है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद विकी किसी दूसरी कंपनी के लिए काम नहीं करेगा। आई थिंक इस बारे में विकी से कंसल्ट किए बगैर मैं कोई फैसला लेना नहीं चाहूंगा। जैसा आप चाहें। Angel Records, I can't believe it. Oh God, it's just great. ये म्यूजिक कंपनी तुम्हें इंटरनेशनल स्टार बना देगी। विकी, ऐसे मौके नसीब वालों को मिलते हैं। विकी, तुम खुश होने के बजाय इतने गुमसुम क्यों हो? Nothing, mom. मुलानी तुलानी के बारे में सोच रहा हूँ। Just thinking about that. अरे, पहले मुलानी तुलानी कहाँ थे? Where were they? Nowhere. और अगर ये शो फ्लॉप हो जाता, हिट नहीं होता, तो क्या वो लोग हमारे पास आते? Never. Never. अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम किसका ऑफर एक्सेप्ट करें और किसका रिजेक्ट करें। yeah! अरे बाप मैक, तुम तो एक ही शो के बाद पक्के सेक्रेटरी हो गए हैं। थैंक्स डैड। डैड, तुम मुलानी तुलानी की फिक्र मत करो, उन्हें हम देख लेंगे। ये आप लोग एडवांस नहीं लौटा रहे हैं, ये आप लोग दलक हमते दुश्मनी चल रहे हैं। ये रुपया जबरदस्ती थमाने का मतलब ये नहीं होता मिस्टर तुलानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो ही गया है। और फिर बिना एग्रीमेंट के, बिना कॉन्ट्रैक्ट के, हमने ये कैसे समझ लिया कि विकी आपका शो करेगा? ए थगरेत्री की औलाद, थलिया मत बन, हमारे लाभ तान में थनी भनी मत बनना, बेमात मिलेगा। देखिए प्लीज, ये गुंडों की भाषा का प्रयोग मत कीजिए आप। अले भाई साहब, अगर आपका बेटा विकी हमारा थो थोल कर कितनी ओल का थो चलेगा, तब हम बताएंगे गुंडागिरी होती क्या है। तो मेरी भी ऐसी है पापा कि एंजल म्यूजिक का ये डील मैं जरूर साइन करूंगा। Here, sir. Congratulations. विकी, 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 बस कुछ ही दिन बाद हमें अमेरिका जाना है शोज के लिए और तुम्हें रिहर्सल के बजाय शरारत सूझ रही है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, मैं तुम्हारे बालों में उलझा हुआ हूँ। विकी, ये शोज तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन शोज की रिहर्सल तुम्हारे करियर के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है विकी। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा म्यूजिक है, मेरा करियर है। तुम्हारी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट म्यूजिक है? उससे पहले बहुत सारे लोग हैं। जैसे? जैसे कि मॉम, डैड, मैक। और मैं इन सबके बाद आती हूँ। फिर शुरू हो गया ना तुम्हारा नंबर गेम, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। विकी, मजाक मत करो, सच कहो ना। तुम्हें सच नहीं मालूम? मालूम है ना। बस तुम ही मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो। और मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। तुम नहीं। चेहरा तेरा एक मासूम सा, चेहरा तेरा मुझे दीवाना बना दिया, मुझे दीवाना बना दिया, मुझे दीवाना बना दिया।
इनकार से इकरार से लूटा मुझे तूने प्यार से कुछ दर्द है कुछ प्यास है क्या खूब ये एहसास है छाई है क्या ये बेखुदी कैसी है ये दीवानगी यूं छुप छुपा के हंसना तेरा यूं छुप छुपा के हंसना तेरा मुझे दीवाना बना दिया 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 ये दीवाने अर्जुनी तुम ठीक तो ना As tapped your arm Anjali Must say you are a brave girl. लेकिन डॉक्टर साहब जो दर्द हो रहा है विकी पेन कम करने के लिए मैंने इन्हें पेन किलर इंजेक्शन दे दिया है मामूली सा हेयर लाइन फ्रैक्चर है दो हफ्तों में ठीक हो जाएगा ओके थैंक यू लेकिन बेटा ये एक्सीडेंट हुआ कैसे दादाजी ये एक्सीडेंट नहीं था किसी ने जानबूझ के किया ये सब क्या जानबूझ कर लेकिन बेटा तुम्हारा कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ तुमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं फिर कौन हो सकता है जो तुम्हें और मेरी बच्ची को इतनी गहरी चोट पहुंचाना चाहता है अले ताहे का तार्जन और ताहे का टाइगर या उस लड़के की जगह उस लड़की के हाथ पैर तोल दिए तुम लोगों ने अले ऊपर से फुल और फाइनल की बात करता अले तेली आंख में तो नहीं बैठा हुआ था क्या लड़की और लड़के में फर्क नहीं पड़ा तुझे ए तोतले ए वो लड़की कौन है तेरे को मालूम है क्या अबे जैसे जादूगर की जान पोपट में होती है ना वैसे वो छोकरी के अंदर विक्की की जान है वो छोकरी नहीं अपाहिज हुई है विक्की अपाहिज हुआ है विक्की पहले धक्का दू विकी मैं तुम्हारे साथ अमेरिका नहीं आ सकती अंजलि तुम्हें मेरे साथ अमेरिका चलना है और वैसे भी डॉक्टर साहब ने तुम्हें इजाजत दे दी ट्रैवल करने के लिए सो डोंट ट्राई एंड कम आउट ऑफ इट विकी मैं तुम्हारे साथ चल रही थी ताकि शोज के दौरान मैं तुम्हारा सहारा बन सकूं अब ये नामुमकिन है विकी प्लीज अंडरस्टैंड मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती स्वीट हार्ट ओके फाइन मत बनो बोझ एक काम करता हूं मैं भी नहीं जाता विकी भगवान के आशीर्वाद से तुम्हें इतना बड़ा मौका मिला है प्लीज इसे ठोकर मत मारो हम सब तुम्हें उन ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं विकी हमने तुम्हारे लिए एक सपना देखा है चाहते कि वो सच हो प्लीज हमारे प्यार की खातिर प्लीज तुम जाओगे ना अंजलि मैं तुम्हारे बगैर एक पल अकेला नहीं रह सकता दूर जाना तो इम्पॉसिबल है विकी हम दोनों एक दूसरे से कभी दूर नहीं रह सकते क्योंकि हम एक दूसरे के दिल में रहते हैं
एक दूसरे की धड़कन में बसते हैं, यादों में जीते हैं, है ना? जब भी तुम इसे देखोगे तो मुझे अपने करीब पाओगे, वादा करो तुम मेरे ख्वाबों को हकीकत में बदलोगे। I love you. I love you. I love you too, Vicky. I love you too. I'll miss you. Your room, sir? Ah, nice hotel, eh? I like it. Thanks. I hope you like your suite, sir. Yes, it's quite nice, actually. Thank Vicky, you. कल शाम को 5:30 बजे तुम्हारे शो की टेक्निकल रिहर्सल है, लेकिन उससे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, एंजल म्यूजिक के CEO से तुम्हारी मुलाकात। Hi. I'm Natasha, CEO Angel Music. Welcome to America. Thank you. Yakeen mani Natasha ji. Only Natasha. Okay. Yakeen mani Natasha. Abhi is chamber mein aane se pehle main thoda nervous sa tha. Maine socha ki is kursi par koi mota chashma pehne mein koi senior baitha hoga. Lekin yahan ke dekha to No wonder इस कंपनी का नाम एंजल म्यूजिक है। Thanks for the flattering compliment, Vicky. You're welcome. Come on. Sure, after you. I must say, Vicky, you're quite a charmer. Really? Come. तस्वीर है हर तरफ आपकी तस्वीर है। एंजल म्यूजिक में जब भी हम किसी आर्टिस्ट को साइन करते हैं उसमें पूरी दिलचस्पी लेते हैं। एक आर्टिस्ट के अनगिनत रूप होते हैं, जितनी उनकी गहराई में जाए तब भी लगता है उनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। एक बात पूछूं नताशा? मुझे क्यों तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लगता है? कैसे पहले हम कहीं मिल चुके हैं? इस मुलाकात से पहले हम कभी नहीं मिले। ओ, मेरे रिहर्सल का टाइम हो गया, मैं चलता हूं। I'll take it. Thank you. मैं आपको शो में मिलता हूं। Oh,
बात है कितने हम प्यासे हैं, आप ना समझेंगे प्यास ये हमारी, कैसी ये चाहत है कितने हम प्यासे हैं, आप ना समझेंगे प्यास ये हमारी, आपकी बाहों में हम बिखर जाएंगे, आपने दे दी है ऐसी बेकरारी, क्या हसीन दिल नशी दीदार है हर तरफ आपकी तस्वीर है, it was spectacular, out of this world. Oh Vicky, I'm so happy. और इन सब चीजों का क्रेडिट नताशा को जाता है. Vicky, I'd really like to thank her. She's right here. एक मिनट, बात करो. My girlfriend Anjali. Hello Anjali. Hello Natasha जी. अब अगर तुमने जी लगाकर बात की, तो मैं फोन डिस्कनेक्ट कर दूँगी. I'm sorry Natasha. पर मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज ही नहीं है. बट थैंक्स, थैंक्स अ मिलियन. इट्स अ प्लेजर. शो के दौरान पब्लिक तो क्या, मैं खुद अपने आप को भूल गई थी. ओह नताशा, काश मैं वहां होती. आई एम जस्ट रियली रियली मिसिंग इट ऑल सो मच. इसके बारे में तुम विकी से बात करो. अंजलि, नो मोर टॉकिंग ऑन द फोन, ओके? मैं कल की पहली फ्लाइट से वापस लौट रहा हूँ. लव यू जान. आई लव यू टू. बाय. Welcome, sir. Natasha, पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं. मैंने तुमसे इतना कुछ पाया है, अगर इसके बदले कभी जिंदगी में मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं, तो इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा. Really? Yes, I mean it. कल मेरा जन्मदिन है. क्या तुम कल का दिन मेरे साथ मेरे पास गुजारोगे? Sure. You take care. Bye. Bye. उस दिन तुमने मुझसे पूछा विकी, क्या हम पहले कहीं मिले हैं, और मैंने कहा नहीं. सच कहा था मैंने, लेकिन एक सच और भी है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया. मैंने तुम्हें बरसों प्यार किया है, उन कॉलेज के दिनों से जब तुम स्टेज पर गाया करते थे और तुम्हारे सारे शोज फ्लॉप हो जाते थे. यूं ही गुनगुनाते रहे, सदा मुस्कुराते रहे, बोले डिंग डॉंग डिंग डॉंग, कम ऑन एवरीबॉडी सिंग अ सॉन्ग. Shit man, we messed it up. Hey guys, don't lose hope. The principal has given us one more chance. Thank God. Oh, great. Kiki, मुझे समझ में नहीं आ रहा. Where did we go wrong? जो भी है, कहीं ना कहीं तो problem.
Thank you. Yo, what's going on, man? How you doing? Vicky, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और तुम्हें धुन की भी समझ है, पर उसमें वो गहराई नहीं है क्योंकि तुम्हारे अल्फाज गलत हैं। इन शब्दों को महसूस करोगे तो तुम्हारी धुन में कशिश आ जाएगी। छुपा के रखूं, सांसों में बसा के रखूं, सीने से लगा के रखूं, पलकों में बिठा के रखूं, मैं तुझे चाहूंगा इस तरह मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, तेरे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, तेरे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। Okay. Anyhow, we have to find out कि हमारी मदद किसने की। बढ़ाओ। Think guys, think. सोचो ना। Absolutely. I think I got it. My success is your gift to me, and I want to celebrate it with you today at Boathouse Cafe at 6. Ricky. ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटी, जिसके तुमने ख्वाब देखे आज हकीकत में उससे मिलने जा रही हो। Oh, Dad, I'm just too excited. पर एक बात का ध्यान रखना नताशा, अपने दिल की बात आज ही उसे कह देना। वो मुमकिन नहीं है डैड। But why? क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। What? और तुम ये जानते हुए भी विकी से कैसे प्यार कर सकती हो? डैड, मुझे इस बात का कोई डर नहीं कि शायद मुझे विकी का प्यार कभी नहीं मिले। और वैसे भी प्यार कोई बिजनेस नहीं है जिसका प्रॉफिट और लॉस देखा जाता हो। प्यार तो एक भावना है, एक सच्चाई है। भगवान की पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन सभी को भगवान थोड़ी मिलता है ना डैड? Why don't you understand, Natasha? जिस रास्ते पर तुम चल रही हो उस पर तुम्हें दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। Don't worry, Dad. I'm an achiever. Believe me, मुझे मेरा प्यार जरूर मिलेगा। I wish you all the best, my child. Bye, love. Bye, Dad. पता नहीं विकी, मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। I spoke to his father. Yeah, I told. Hello. Natasha. हमारे डैड की कार का एक्सीडेंट हो गया है। I'm sorry. He's no more. मेरे डैड मेरे लिए सब कुछ थे, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। चले गए वो और मेरे नाम छोड़ गए ये मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी जो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरी जिंदगी की चाहत सिर्फ तुम थे विकी, सिर्फ तुम थे, और तुम्हारी चाहत थी म्यूजिक। तुम एक पॉप स्टार बनना चाहते थे, इसीलिए चल पड़ी मैं उस सफर पर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने और अपनी मंजिल पाने।
मैंने एक म्यूजिक कंपनी एस्टैब्लिश की और उसकी ब्रांच इंडिया में खोली। तुम्हें लॉन्च करवाया तुम्हारे ख्वाबों को जीकर, उन्हें हकीकत का रूप दिया। और कल एक दिन के लिए रुककर तुमने मेरे सारे ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया। मैंने इस पल के लिए बरसों इंतजार किया है विकी, बरसों इंतजार किया है, बरसों इंतजार किया है। जब से मिले हो तुम ऐसा लगा है कि तुम बिन न हम जी सकेंगे। एहसास दिल को होने लगा है कि तुम बिन न हम जी सकेंगे। ये दूरियां लगती से तुम ठहर जाने दो, हमें टूट के तुम बिखर जाने दो, जवां धड़कनों में उतर जाने दो, हदों से भी आगे गुजर जाने दो। तन्हाइयों का कहना यही है कि तुम बिन न हम जी सकेंगे।
पे ठहर जाने दो, हमें टूट के तुम बिखर जाने दो, जवां धड़कनों में उतर जाने दो, हदों से भी आगे गुजर जाने दो। हमको यकीन होने लगा है कि तुम बिन न हम जी सकेंगे। विकी हाँ? क्या बात है, बहुत टेंस लग रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ विकी, बहुत खुश। इट्स सच अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। नाउ कम ऑन, इंडिया जाने के लिए एयरक्राफ्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बहुत गिल्टी फील कर रहा है। रिलैक्स यार, मैंने अंजलि का विश्वास तोड़ा है, अगर उसको पता चल गया तो। अरे डोंट वरी, अंजलि को पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा उसको, तू टेंशन मत ले यार, बिल्कुल टेंशन मत ले। अच्छा एक बात बता, सुबह नॉर्मल थी ना? सुबह बिल्कुल नॉर्मल। हाँ तो बस फिर क्यों घबरा रहा है, अमेरिका में आम बात है यार, रोज होती है बातें, रात गई बात गई, डोंट वरी। कसम से ये तो भगवान का शुक्र है हम लोग फ्लाइट पकड़ के निकल रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई हैव योर बोर्डिंग कार्ड प्लीज? बोर्डिंग कार्ड या वन सेकंड, थैंक यू। आई एम सॉरी सर, यू आर इन द रॉन्ग सीट। रॉन्ग सीट? यस सर। तो यहां कौन बैठने वाला है? सर ये सीट इनकी है। हेलो मैम। हेलो, this way sir please, thank you। नताशा तुम जा कहाँ रही हो? हम लोग प्लेन में बैठे हैं विकी, और ये फ्लाइट डेफिनेटली इंडिया जा रही है। क्यों जा रही हो इंडिया? हमारी कंपनी के स्टार को सिर्फ अमेरिका में प्रमोट करके काम खत्म नहीं होता विकी, इंडिया में भी। मैं तुम्हारे प्रमोशन को पर्सनली सुपरवाइज करना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल तुम हमारी कंपनी के सबसे कीमती पर्सनालिटी हो। विकी मैं अपना सामान कलेक्ट करके आता हूँ जरा। हाँ एक मिनट नताशा, तुम मैक के साथ जाओ और जाके अपना बैगेज आइडेंटिफाई करो। ओके ओके, मैडम के साथ रहना ठीक है।
जाओ नताशा। See you soon. Okay. I'm so happy to see you, Vicky. I really love you. मैंने तुम्हें कितना मिस किया है. अब तुम मुझे इतने दिनों के लिए कभी मत छोड़कर जाना, okay, Vicky? Excuse me, तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। Natasha, this is Anjali, my girlfriend. Anjali, Natasha, CEO of Angel Music. Oh, आपसे मैंने फोन पे बात की थी ना? जितनी आपकी आवाज मीठी है, उससे ज्यादा तो आप खूबसूरत हो। एक खूबसूरत लड़की को दूसरी खूबसूरत लड़की की तारीफ नहीं करनी चाहिए। क्यों? नजर लग जाती है। Vicky. Hi, Dad. हेलो। जीते रहो बेटा। जीते रहो। विकी इज मॉम डैड। बेटी, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन होकर भी तुम्हारे ख्यालात कितने हिंदुस्तानी हैं। मेरे जज्बात भी हिंदुस्तानी हैं। वाह क्या बात भाई, यही तो हम लोगों की खासियत है कि दुनिया में कहीं भी रहें लेकिन अपने प्यार और रिश्तों को नहीं भूलते। आपके पास वक्त हो तो आइए ना घर फॉर डिनर। जी, हम आपके एहसान का बदला तो नहीं चुका सकते लेकिन अपनापन तो बांट सकते हैं। जरूर आऊंगी। अब तक अकेली जीती रही, अपनों का साथ तो मुझे परसों बाद मिला है। विक्की के पत्ते ने हमारे बिजनेस और केलियर दोनों तबत कर दिए। अरे हम माल केज बन के तेले जी बन के चाक चाक काल बने। अरे मांग तोला तंदाल को पातनल दे लेते निकल कल तीदा तूली पर थल जाना बेवाकूफी है तमना। हल कामयाब आदमी की जिंदगी में दुश्मन होते हैं और हमारी जिंदगी का मकसद है विक्की के दुश्मनों को खोजना। बोल फिले थाले दुश्मनी कथे हो कल बदला लेंगे दुश्मनी दिन रात। जानते हो विक्की, तुम अमेरिका चले गए और यहाँ मेरे लिए पूरी दुनिया ही थम गई। बस रोज घंटों तक उसी जगह जाकर बैठी रहती जहाँ तुम्हारे साथ कुछ लम्हे गुजारे थे। और तुम ही मेरे ख्यालों में हमेशा रहती थी। झूठे कहेंगे? सच बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है कितना सच बोल रहे हो। ये निशानी देखकर तुम्हें मेरी याद आई होगी। वैसे तुम्हें फुर्सत कहाँ थी मुझे याद करने की? हाँ, कभी म्यूजिक शोज में तो कभी। नताशा तुमसे I'm sorry विकी, लेकिन वो नताशा जी मिलना चाहती है, आज समथिंग वेरी अर्जेंट है इसका आप। अब कह दो मैं नहीं मिल सकता। लेकिन लेकिन वो आज ही मिलना चाहती है, बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है पब्लिसिटी और मार्केटिंग के बारे में। कह दो कि आज मैं लंच पे जा रहा हूँ अंजलि के घर पर, कल मिल लूंगा। बट टुमारो शी इज गोइंग बैक, कल तो अमेरिका वापस लौट रही है तो वो। चली जा। बट अरे विकी, लंच के बजाय तुम डिनर पर आ जाना, व्हाट्स द बिग डील? वैसे काम तो काम है ना। व्हाई डू यू हैव टू बी सो स्वीट? बिकॉज़ आई एम लाइक दैट। क्यों? जाओ आप, ओके? अच्छा बाबा, चला जाऊंगा, ओके? As per policy decision taken by our company, इस वक्त हमें सिर्फ विकी को प्रमोट करना है। हर कान में सिर्फ विकी की आवाज जानी चाहिए और हर तरफ सिर्फ विकी दिखाई देना चाहिए। प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, एवरीवेयर वी शुड स्प्रेड जस्ट दिस वन नेम, विकी। मिस्टर मेहता, मार्केट में जो ऑडियो कैसेट बिक रहे हैं उनमें हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट रेंज क्या है? हाईएस्ट रेंज की कैसेट 100 रुपीज और लोएस्ट 35 रुपीज। पर हम लोगों के कैसेट 17 रुपीज में बेचे जाएंगे। सर, जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20 रुपीज पर कैसेट है तो 17 रुपए के हिसाब से कैसेट बेचने की क्या तुक है? दिस डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिस नताशा। बट इट्स ए रॉन्ग डिसीजन। एक नए उभरते हुए स्टार पे इतना खर्च करना कहां की समझदारी है? मुझे भी 15 साल का एक्सपीरियंस है और इसे बिजनेस मानना तो दूर, इस तरह कोई जुआ भी नहीं खेलता। मिस्टर मेहता, इस कंपनी की मालकिन मैं हूं, ये कंपनी मेरे फैसले पर चलती है, आपके एक्सपीरियंस पर नहीं। डेफिनेटली वो कंपनियां बंद हो चुकी होंगी जहां आप जैसे लोग काम करते होंगे। आई रिस्पेक्ट एक्सपीरियंस्ड पीपल बट नॉट फूल्स। और जिस बदतमीजी के साथ आपने बिजनेस समझाने की कोशिश की, इस कंपनी को आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। आई ऑर्डर यू टू सबमिट योर रेजिग्नेशन राइट नाउ मिस्टर मेहता।
You're fired. Hello, Vicky. Hello. Come in. तुम कैसेट्स को इतने कम दामों में क्यों बेच रही हो? ये मेरी बिजनेस स्ट्रेटजी है विकी। किसी भी प्रोडक्ट की पहले लोगों को आदत पड़नी चाहिए। You know, they should get addicted. उसके बाद प्रोडक्ट का नशा तो अपने आप ही सर चढ़कर बोलता है। बस एक बार तुम्हारी आवाज कानों में गूंजनी चाहिए। तुम्हारा चेहरा इतनी बार दिखाई देना चाहिए कि नींद से जागने के बाद यू शुड बी इन देयर मेमोरीज। और जिस दिन हमारी कंपनी को ये कामयाबी मिल जाएगी, हम अपनी कैसेट्स मनमानी और मुंह मांगी कीमत पर बेचेंगे। मैम वन सेकंड, विकी ये पब्लिसिटी पेपर साइन करना। एक बात बताओ विकी, अमेरिका से लौटने के बाद तुम इतने कटे कटे से क्यों रहते हो? मैं भला कटा कटा क्यों रहूंगा? मैंने कोई चोरी थोड़ी की है। यही तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि तुमने कोई चोरी नहीं की है। खैर, अंजलि कैसी है? देखो नताशा, बेहतर यही होगा कि तुम हमारे डिस्कशन में अंजलि को मत ही लाओ। अगर तुम चाहो तो अंजलि हमारे बीच कभी नहीं आएगी। देखो तुम हर बात को बदल क्यों देती हो? ऐसा क्यों स्टेटमेंट बनाती हो जो तुम चाहती हो? तुम जानते हो ना मैं क्या चाहती हूँ। अच्छा मैंने साइन कर दिया, मैं चलता हूँ। पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो? क्या मतलब? मतलब अब तुम्हारा फोटो सेशन है। फोटो सेशन? लेकिन मैंने तो अपने कपड़े भी नहीं देखे, ना उनका डिजाइन पता मुझे। मैंने अपना ट्रायल भी नहीं दिया अब तक। तुम्हारे ड्रेसेस, कलर्स, टाइल्स सब मेरी पसंद के हैं। और फिटिंग के बारे में तुम जरा भी फिक्र मत करना, उसका मैंने खास ख्याल रखा है। लेट्स गो। तुझसे हुई है मेरी रातें सुहानी है।
जुदा है जाना ये हुस्न तेरा बेताब तेरे लिए बाहों का खेला तेरी निगाहों में है जादू ही जादू ऐसे में कैसे रखूं खुद पे मैं काबू देखा जो तुझको तो दीवाना दिल हारा बुलाए तुझे तेरा दिल तारा हम माशूका 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 Mashuka, 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 mashuka. Vicky, मैं कल सुबह की फ्लाइट से वापस अमेरिका जा रही हूँ इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज का डिनर तुम मेरे साथ करो It's not possible क्योंकि आज रात का डिनर मैं अंजलि के साथ कर रहा हूँ सॉरी ओह विकी अंजलि के साथ तो डिनर कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है आई एम श्योर शी कैन वेट फॉर यू वादा करके तोड़ना ये मेजबान की बेइज्जती होती है ना अपने होस्ट के लिए तुम्हारे दिल में जो इज्जत है वो इज्जत मैं भी अपने गेस्ट को देती हूँ यहाँ होस्ट के बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा इट्स जस्ट मैटर ऑफ कमिटमेंट मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हें अपना कमिटमेंट निभाना आता है गो अहेड विद योर प्लान्स विकी पर डिनर खत्म होते ही तुम्हें मेरे घर थोड़ी देर के लिए आना पड़ेगा मैं इंतजार करूंगी सही तो कह रहे हैं सब लोग मैं भैया तुम शादी कर लो विकी तुम आज बहुत दिनों बाद बढ़िया खाना खाया भाई हाँ हाँ आपको जैसे मेरे हाथ का खाना पसंद आता है कभी क्या मैक तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो हेलो हेलो विकी है अरे नताशा तुम हम सब अभी बैठे डिनर के लिए अगर तुम होती तो और भी मजा आता वी आर रियली मिसिंग यू यू नो अंजलि क्या मैं विकी से बात कर सकती हूँ ऑफ कोर्स नताशा वन सेकंड आई जस्ट पास हिम द फोन हां होल्ड ऑन वन मिनट विकी नताशा का फोन मैक मैडम से कह दो मेरा इंतजार ना करें मुझे लेट हो जाएगा खाना खा ले यस हैंडल हेलो या मैम विकी जी खाना खा रहे हैं तो मेरे ख्याल इस समय तो बात नहीं कर पाएंगे आप विकी विकी क्या नताशा तुम्हारा डिनर पर वेट कर रही है हाँ वो अमेरिका जा रही है ना कल इसलिए वो चाहती है कि मैं उसके साथ एक विकी नताशा अमेरिका से आई है वो हमारी मेहमान है वापस जाकर उसके दिल में हमारे लिए जगह होनी चाहिए कड़वाहट नहीं विकी मैडम ने कहा कि वो डिनर पे तुम्हारा इंतजार करेगी विकी तुम नताशा के पास जाओ कम ऑन गो तुम क्या चाहती हो मैं मम्मी दादा सबको छोड़कर चला जाऊं इसलिए कि वो मेरी प्रमोटर मैं नहीं जा रहा नो विकी नताशा एक सुलझी हुई लड़की है वो आर्टिस्टों की इज्जत करती है उनकी कदर करना जानती है और रहा मम्मी और दादाजी का सवाल क्या अपने ही घर में फॉर्मेलिटी की जरूरत है तुम नताशा के पास जाओ और हाँ उसे एयरपोर्ट सी ऑफ करने के बाद ही वापस आना ओके विकी ओके ओके एज़ यू विश जा विकी क्या जाऊं यार अजीब मुसीबत पाल रखी है मैंने अंजलि मुझे बार बार नताशा के पास भेज देती है अंजलि को मैं सच नहीं बता सकता समझ में नहीं आ रहा क्या देख विकी तेरी इरिटेशन तुझे अंजलि को हम सबको बड़ी मुश्किल में डाल देगी सिर्फ आज रात की तो बात है ना यार तू उसको समझा बुझा के कुछ ना कुछ बोल बाल के यहाँ से रवाना कर दे यार चल जा जा Thank you.
अच्छा हुआ तुम आ गए विकी, वरना सारी रात तुम्हारे इंतजार में गुजारनी पड़ती और भूखा रहना पड़ता। वैसे मैं खाना खा चुका हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम घर से खाकर आए हो, लेकिन मेरे साथ एक भी निवाला खाने की गुंजाइश नहीं है तुम में। मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ नताशा, अगर तुम चाहोगी तो मैं दोबारा तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर एक काम करो, आज तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। तुम्हारे हाथों से खाकर मेरा दिल भर जाएगा और फिर मैं तुमसे दोबारा खाने की जबरदस्ती नहीं करूंगी। ओके, अगर थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें खुश देख सकता हूँ तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है मेरे लिए। तुम्हारी खुशी इसलिए तो नहीं कि मैं कल सुबह की फ्लाइट से वापस जा रही हूँ? अगर हम दोनों का अलग होना ही खुशी की बात है तो मैं अपनी सफाई में तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लगता है तुम नाराज हो गए। अरे बाबा, मैं तो यूं ही चिढ़ा रही थी। और यकीन मानो, थोड़ी देर के लिए मैं वाकई में चिढ़ गया था। अब तुम्हारी इस चिढ़ को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा? वही जो तुम चाहती हो। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। ओह विकी, विकी, आई एम सो हैप्पी। पता है विकी, कभी कभी मेरी बातों में कड़वाहट सी आ जाती है, जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता है तुम्हारा प्यार छीनने का, तुम्हें खोने का। विकी, मैं जाने से पहले तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। देखो, इनकार मत करना। बोलो नताशा। मैं अमेरिका सिर्फ तुम्हारी यादें नहीं, तुम्हारे अपने पास होने के एहसास को लेकर जाना चाहती हूँ। मुझे और जोर से थामो विकी, मैं भूल जाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे इतनी दूर जा रही हूँ। I love you, Vicky. सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें हो क्या गया है विकी? मुझे लगता है जो विकी मैंने एयरपोर्ट पे छोड़ा था वो कोई और था, और जो अमेरिका से लौटा है वो कोई और है। ओफ हो विकी, क्या भूल गए कि रोज सुबह हम लोग साथ में जिम जाते हैं? वैसे तुम्हें इतनी देर कहाँ लगा दी? हाँ, नाउ यू आर फॉरगेटिंग अंजलि। तुम्हें कहा था नताशा को एयरपोर्ट छोड़ के आ जाओ, बस उसी को छोड़ के आ रहा हूँ। Oh, anyway, let's forget the gym for today, okay? Come, मैं तुम्हारे लिए breakfast बनाती हूँ। Hey, that's a good idea. ये लो, breakfast तैयार है। Hey, थोड़ी देर मेरे पास आके बैठो ना। तुम इतने परेशान क्यों हो विकी? I'm just tired. थका हूँ मैं। तुम किसी बात को लेकर डरे हुए हो? भला मैं किसी से क्यों डरने लगा? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? तुम्हारे खो जाने के डर से।
तो तुम्हें डरना ही होगा विकी, क्योंकि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। तुम क्या जान चुकी? यही कि आजकल तुम बहुत कुछ भूलने लगे हो। मैं क्या भूलने लगा? ओ विकी, आज वैलेंटाइन डे है और हमारी 7th एनिवर्सरी। यू फॉरगॉट? अरे, I'm really sorry. It's my fault. Happy Valentine's Day. तुम आज शाम घर आ जाना, हर साल की तरह इकट्ठा सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? Fine. Now you eat your breakfast और ब्रेकफास्ट खाने के बाद तुम ऑफिस जाओ, मैं तुम्हें शाम को मिलूंगी, ओके? हेलो विकी, सैम बोल रहा हूँ, तुम जल्दी से ऑफिस आ सकते हो? क्यों? तुम्हारे फोटोशूट के टीपीज आ गए हैं, उनकी सिलेक्शन करनी है। Hey, come on, Sam. I'm busy today. कल आ जाऊंगा मैं। टीपीज को प्रिंटिंग के लिए आज ही हैदराबाद भेजना है, पब्लिसिटी तैयार करनी है। विकी, इट्स वेरी अर्जेंट, अगर आ सको तो बहुत अच्छा होगा। ओके फाइन। Wow. चलो बाहर चले। तुम गई नहीं? सच कहूं विकी, जिस तरह एयरपोर्ट पे तुमने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, उसकी खुमारी में अपने दिलो दिमाग से भुला नहीं पाई। और जब मैं एयरक्राफ्ट में बैठी तो मुझे याद आया कि आज तो वैलेंटाइन डे है। आज के दिन प्यार करने वाले एक दूसरे के करीब आते हैं, तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे चली जाऊं? हाँ, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि आज का दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगी। साथ तो सिर्फ बहाना है, तुम्हारे पास आकर गुजारूंगी। नताशा, एक बात कान खोल के सुन लो, न तुम मेरे साथ रह सकती हो न मैं तुम्हारे पास। पर क्यों? क्योंकि उस दिन जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ वो मेरी एक भूल थी। It was my mistake. और वैसे भी अमेरिका में ये सब कुछ होता रहता है। अमेरिका में होता होगा, लेकिन मैं तो अमेरिका में एक हिंदुस्तानी लड़की थी और वो मेरे लिए कोई भूल नहीं थी, प्यार था, प्यार। तुम्हें याद है विकी, कॉलेज में जब तुम स्टेज पर गाया करते थे तब तुम्हारे पास सिर्फ धुन थी और उस धुन को गीत बनाने के लिए बोल मैंने दिए थे, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी। और जब तुमने मुझे बूथ हाउस कैफे बुलाया था तो मैं आ रही थी, पर मेरी किस्मत तुम तक पहुंचने से पहले कार एक्सीडेंट में मेरे डैडी की मौत हो गई और एक पल में मेरी सारी दुनिया बदल गई। मैंने अपने प्यार को अपने सीने में छुपाकर अपने अरमानों को दबाए रखा और अपना हर कदम, अपनी हर चाह सिर्फ तुम्हारी तरफ बढ़ाती गई, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और उस एक दिन के लिए जब तुम मेरे साथ थे तो मेरे प्यार सारे बंधन तोड़कर अपनी दीवानगी की हद पार कर गया और अपने आप को तुम्हें सौंपने के बाद मेरा प्यार और बढ़ने लगा। बुझने के साथ जो खत्म हो जाए वो हवस होती है विक्की, पर तृप्ति के बाद जब प्यास बढ़ जाती है वो प्यार होता है। खामोश रहकर मैं सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत करती, पर उस रात के बाद मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं? तुम्हें कैसे भूल जाऊं विक्की, कैसे भूल जाऊं? देखो नताशा, मैं तुम्हारे जज्बातों की बहुत कदर करता हूं और उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन एक सच्चाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूं और तुम अच्छी तरह जानती हो, मैं कॉलेज से अंजलि से प्यार करता आया हूं और हमेशा करता रहूंगा।
इसलिए नताशा बेहतर यही होगा कि तुम उस वाक्य को एक हादसा समझ के हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं अपने प्यार को हादसा मान लूं? मैं अपने प्यार को इसलिए भूल जाऊं क्योंकि तुम अंजलि से प्यार करते हो? Forget it, Vicky. Just forget it. मुझे मेरा अधिकार चाहिए और वो मैं लेकर आऊंगी। तो मेरे एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर मुझ पर किसी का अधिकार है तो सिर्फ अंजलि का है। अगर मुझसे कोई अपने प्यार का अधिकार मांग सकता है तो सिर्फ अंजलि मांग सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। मुझे दबाने की कोशिश मत करो नताशा, डोंट प्रेशराइज मी। उस दिन जो कुछ भी हुआ, अगर उसका गुनहगार मैं हूं तो उसकी बराबर के हिस्सेदार तुम भी हो। देखो नताशा, हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, अच्छे साथी बनकर रह सकते हैं, लेकिन जीवन साथी बन के नहीं। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, लेकिन अगर तुम मुझसे यह कहो कि मैं तुमसे प्यार करूं, यह मुमकिन नहीं है। इसलिए आज के बाद हम अपनी ज्यादा जिंदगी के बारे में ना एक दूसरे से बात करेंगे, न दखल अंदाजी करेंगे। यू एंड आई जस्ट शेयर अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, यही हमारा रिश्ता है। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? क्या बात है अंजलि? विकी अभी तक नहीं आया? नहीं मां। Why don't you call him? Okay, मामा। विकी, ये तो अच्छा तुम डॉक्टर को जानते थे, तुमने सब कुछ हैंडल कर लिया। अगर पुलिस केस हो जाता तो बहुत बड़ा इश्यू बन सकता था। अब देखो कहीं और से अंजलि को पता चले, इसे पहले तुम खुद ही उसे सारी सच्चाई बता दो। नहीं मैक, अंजलि यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, टूट जाएगी वो। नताशा ने मेरे सामने आत्महत्या करने की कोशिश की है, उसे तो मैंने बचा लिया, लेकिन फिर अंजलि, उसकी तो मैं लाश ही देखूंगा सीधे, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। I'm sorry, अंजलि, वो मैं किसी काम से फंस गया था। एक्चुअली मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। I'm really sorry. और Happy Valentine's. तुमको भी। I'm really sorry. मुझसे गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती। मैंने तुमसे कुछ पूछा? मैंने तुमसे कुछ कहा? नहीं। फिर तुम सफाई क्यों दे रहे हो? विकी, तुम जरूर कुछ इम्पोर्टेंट काम में फंस गए होगे। इसका मतलब मैं तुमसे नाराज हो जाऊं? एक वैलेंटाइन तो क्या, अगर हम बरसों तक भी नहीं मिले ना, तब भी हमारा प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं होगा, समझे? यू नो अंजलि, भगवान ने ऐसी कोई चीज ही नहीं बनाई जिसे मैं तुमसे ज्यादा प्यार कर सकूं। Thank you.
ओके। सुनिए, वो मिस नताशा अपने कमरे में नहीं है। सर उन्हें तो सुबह ही डिस्चार्ज कर दिया गया। क्या? लेकिन डिस्चार्ज कर दिया गया? डिस्चार्ज? सलाम साहब, मैडम तो ऑफिस में नहीं है। मल्होत्रा साहब भी हैदराबाद गए हैं। ओके सैम, ओके या ओके बाय। क्या हुआ? सैम को भी नताशा के बारे में कुछ नहीं मालूम है, ना वो घर में है ना ऑफिस में। अब पता नहीं हॉस्पिटल से निकलकर वो गई तो गई कहाँ। ये नताशा कोई नया ड्रामा ना खड़ा कर दे यार। आई स्वेयर यार। मुझे नहीं पता था विकी तुम इतने गैर जिम्मेदार हो। क्यों पापा, क्या हुआ? तुमने हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया कि तुम हॉस्पिटल गए थे। कल रात को डॉक्टर मेहता ने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा। सुबह फोन करके मुझसे पूछने लगे कि हमारी फैमिली का कौन हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे मेरे तो होश ही उड़ गए। पूछताछ पर पता चला कि वहां कौन एडमिट था। मैं फौरन इन्हें यहां ले आया। नताशा तो उसकी इतनी तारीफ कर रही है। हाँ पापा, विकी की वजह से ही नताशा की जान बची। रात भर जाकर इसने इसकी देखभाल की, है ना? थैंक यू विकी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। Hey, come on, that's okay. नताशा, आज विकी जिस मुकाम पर है तुम्हारी ही वजह से तो है। नहीं आंटी। देखो बेटी, जब दिलों के रिश्ते बन जाते हैं ना, तो कोई किसी पर एहसान नहीं करता। बल्कि मैं तो कहूंगी कि इसकी सगाई और शादी तक तुम यहीं रुको। हाँ, बिल्कुल। जैसा आप कहें, पर क्या विकी भी यही चाहता है? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। चलिए जी, हो गया फैसला। एंगेजमेंट और शादी अटेंड करने के बाद ही नताशा इंडिया से जाएगी। हाँ हाँ, कंफर्म्ड। पता है फिर वैलेंटाइंस की रात 4 बजे सुबह विकी ने मुझे प्रपोज किया। शुक्र है विकी ने तुम्हें प्रपोज तो किया। विकी के डैडी ने तो मुझे आज तक प्रपोज नहीं किया। मैं सीधे शादी कर दी। नताशा, तुम तो अमीर हो, खूबसूरत हो, कामयाब हो, तुम्हें तो बहुत लोगों ने प्रपोज किया होगा ना? या फिर तुमने भी कभी किसी से प्यार किया है? हाँ किया है, हर लड़की की तरह। मैं भी अपने सपनों के राजकुमार के ख्वाब देखती थी, और फिर एक दिन वो मेरी जिंदगी में आया, मुझे प्यार की ऊंचाइयों तक ले गया, और फिर मुझे जिंदगी की हकीकत से वाकिफ कराया, मेरा सपना तोड़ा और चला गया। कौन था वो बेटी? ख्वाबों के नाम नहीं होते। I'm sorry, नताशा, जब कोई अपना ही दिल तोड़ता है तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। Thank God, मुझे विकी जैसा जीवन साथी मिला है। दिल टूटा है मेरा, आस नहीं टूटी। और वैसे भी हमारी कंपनी का मोटो है, वी मेक ड्रीम्स कम ट्रू। और यकीन मानो, मैं अपना हर सपना साकार करना जानती हूं और हर हाल में करके रहूंगी। Oh,
तुझे लाख समझाया, दिल ने मेरे मुझे लाख समझाया, दिल ने मेरे हाँ मगर मैंने दिल की न मानी। दीवानी मैं दीवानी, साजन की दीवानी। दीवानी मैं दीवानी, साजन की दीवानी। मुझे लाख समझाया, दिल ने मेरे हाँ मगर मैंने दिल की न जन की दीवानी। दीवानी मैं दीवानी, साजन की मैं दीवाना हूँ इन अदाओं का, मैंने तो प्यार किया है तुमसे, जिंदगी भर तुम्हें ही चाहूँगा, मैंने इकरार किया है तुमसे। ये क्या तमाशा बना रखा तुमने? डन इंटरनेशनल लेवल, नहीं बनना मुझे वो कामयाब, नहीं चाहिए मुझे वो शोहरत जिसके वजह से मेरे दिमाग का संतुलन हिल जाए, नहीं बनना मुझे वो स्टार जिसकी दुनिया चमक तो देख सकती है लेकिन वो अंदर ही अंदर मर रहा हो और घुट रहा हो। ये तुम इस कागज के टुकड़े पर बहुत गुमान है ना, तुम समझते हो इस एग्रीमेंट से मैं बंधा हुआ हूं? I'm free फ्रॉम योर ड्रीम्स। अब और आज के बाद ना तुम मुझसे बात करने की कोशिश करना, ना मैं तुमसे बात करने की कोशिश करूंगा।
जानी दावत है, लेकिन एक बात फिर से दोहराता हूँ, तब दो दुश्मन मिल जाते हैं ना तो एक तो खत्म करना बहुत आसान हो जाता है। अरे बाबा, नीत का मंगल उसके अत्तम थान पल है, उनके लदन को देख रहा है। हमारा दुश्मन तो मला ही मला 100% 100%, और हमारे पास तो फूल प्रूफ प्लान भी है। लेकिन इतना खतरनाक और रिस्की काम तुम लोग करोगे कैसे? नताथा मैडम, खतरों से तो हम बचपन से ही खेलते आए हैं। तो बिजनेस में तो हम बाद में आए, उससे पहले हम वो बिजनेस में थे। हमारे बत्ते भी बड़े खतरनाक है, थले पताकों से खेलते हैं और हम बम से खेलते हैं। अली बेबे, मंदल और थनी के कंडक्शन का मतलब है 100% बम फटेगा। पर ये सब कहां और कैसे होगा? प्लान प्लान थो ऑर्गेनाइजर होने का ये भी फायदा होता है कि हर स्टार का रूटीन पता चल जाता है। ये स्टार लो तुबे एतरताई करने के लिए दिम में जाता है, बॉडी बनाने के बाद अपनी गाड़ी में आकर बैठता है। लेकिन उसकी गाड़ी में बैठने से पहले हम एक लेटेस्ट बॉम्ब उसकी गाड़ी में फिट कर देंगे। समझते क्या हो तुम मुझे? हाँ, अब प्रोस्टिट्यूट, अब बड़ी वेश्या, जो हम बिस्तर होते ही तालुका शुरू हो जाते हैं और खत्म होते छूट जाते हैं। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। हाय विकी। या वाओ, ताले तूने हमारा थो नहीं दिया था ना, अब मुलानी और तालानी थे दुश्मनी तल लेता, नतीजा देख ले। पहले बात करना सीख ले, उसके बाद नतीजा देख लूंगा। ए, हम जितने दुश्मनी करते हैं ना उसको नलक तक पाताल गली थोलते हैं। तेरा टाइम तलात मेली बातुन, हमने तेरी ताल ते अंदर बम भी तल दिया है। दित का लिमोत मेले हाथ में है, तूने हमको तेल भेजा था, हम तुझे ऊपर भेजेंगे। मुझसे मेरा प्यार कोई नहीं छीन सकता। हम दोनों के बीच जो भी आएगा, जो भी, उसका यही अंजाम होगा। हेलो मामा, अंजलि कहाँ है? क्यों विकी, क्या बात है बेटा? मामा अंजलि कहाँ है? वो तो ब्यूटी पार्लर गई है और जल्दबाजी में मोबाइल यहाँ भूल गई है। क्यों इतने घबराए हुए क्यों? कुछ नहीं मामा, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
अंजलि, 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 मैंने तुम्हारी जान ले ली, ये क्या हो गया अंजलि? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता अंजलि, और मैं तुम्हारे किए का बोझ लेकर मर भी तो नहीं सकती। प्यार टूट जाए तो सिर्फ दुख होता है विकी, पर विश्वास टूट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं जानती हूं कि ये गलती करने के बाद तुम भी सुकून से नहीं जी पा रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें कोई सजा तो नहीं दे सकती, पर माफ भी तो नहीं कर सकती। कोई भी फैसला करने से पहले मैं नताशा से मिलना चाहूंगी। नताशा, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है? लेकिन ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। ओह, तो तुमने क्या फैसला किया है? मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि मैं विकी को माफ कर दूं। डरती हो कि तुम विकी को खो दोगी? मैंने तो विकी को तुमसे उसी दिन छीन लिया था जिस दिन मैंने उसे अपने बाहों में समेटकर उसका एहसास किया था। और उस दिन के बाद विकी तुमसे कटता ही चला गया। उस रात के बाद विकी एक घुटन भरी जिंदगी जी रहा है, ना वो जी सकता है और ना मर सकता है। अगर मैंने विकी को माफ नहीं किया तो वो अपनी जान दे देगा। तुम्हारे हाथ मेहंदी से रंगे हैं, जरा मेरी तरफ देखो, जिसने अपने प्यार की दीवानगी में अपने हाथ खून से रंग दिए। इन दोनों रंगों के पीछे विकी के लिए जुनून और चाहत के अलावा है क्या नताशा? कब तक सच्चाई से भागती रहोगी तुम? प्लीज मेरी बात मानो, विकी को भूल जाओ। भूल जाओ? मैं कैसे भूल जाऊं विकी को? विकी के अलावा मेरे पास दुनिया में है ही कौन? मैं विकी को बहुत प्यार करती हूँ अंजलि, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ उसे। देखो, देखो मेरे हाथों की तरफ, देखो। आज तक किन हाथों ने विकी को सिर्फ दिया ही दिया है। आज इन्हीं हाथों को फैलाकर तुमसे अपने प्यार की भीख मांग रही हूँ। मुझे मेरा विकी दे दो अंजलि, मुझे मेरा विकी दे दो, मुझे मेरा विकी दे दो अंजलि, मुझे विकी दे दो, मुझे विकी दे दो। प्यार अगर कोई चीज होती तो तुम्हारे हाथ फैलाने से पहले ही तुम्हें दे चुकी होती। विकी के दिल में ना तुम्हारे लिए पहले कोई मोहब्बत थी और ना मेरे हट जाने से विकी तुम्हें चाहने लगेगा।
How ungrateful! जिसे मैंने जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये तुम्हारे एहसानों का बोझ ही है जो मैं तुम्हें यहाँ मिलने आई हूँ। तुम्हारा सामना हकीकत से करवाने आई हूँ। तुम्हें हर हाल में गुजरे हुए कल और गुजरे हुए पल को भूलना होगा। अगर मैं यही बात तुमसे कहूँ तो क्या तुम विकी को भूल जाओगी? हरगिज नहीं, मैं अपने प्यार को कभी नहीं भूल सकती। लेकिन जिससे मैं प्यार करती हूँ, अगर वो मुझसे कहे तो उसकी खुशी के लिए मैं जरूर उसके रास्ते से हट जाऊंगी। कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल। मैं कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं वो लम्हे, वो पल जो मैंने विकी के साथ गुजारे हैं, मैं कैसे भूल जाऊं? ये सच जरूर है कि विकी ने तुम्हारे साथ कुछ पल गुजारे थे, लेकिन जिंदगी वो मेरे साथ गुजारना चाहता है। क्यों, क्यों, क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? क्या नहीं किया मैंने? उसकी जिंदगी में ये शौहरत, ये सब कुछ मेरी वजह से है। पर उसकी जिंदगी में खुशी मेरी वजह से है। विकी का वो प्यार भरा गीत, मेरे जीवन साथी, वो मेरे बोल थे। पर उस आवाज में बसा हुआ जज्बात वो मेरे लिए था। मैं सिर्फ विकी के लिए जी रही हूँ और विकी सिर्फ मेरे लिए जी रहा है। मैं नताशा से मिलकर आई हूं। हम दोनों एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां मेरे पास पाने के लिए कुछ नहीं और उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। एक तरफ हम दोनों हैं जिन्होंने बरसों के लिए एक दूसरे को प्यार किया और एक दूसरे का प्यार पाया और आज इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं जहां पल भर के लिए भी हम जुदा होकर नहीं जी सकते। और एक तरफ नताशा है जिसने दिल ही दिल में तुम्हें प्यार किया, तुम्हें प्यार दिया और उस प्यार में अपने आप को सौंप दिया और उसके बदले में तुमसे
कुछ नहीं पाया। वो आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है विकी, शायद मुझसे भी ज्यादा। और उससे मैं कैसे नफरत कर सकती हूँ जो तुमसे इतना प्यार करता हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम नताशा को अपना लो तो ये गलत होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम नताशा को प्यार नहीं करते। और अगर हम दोनों नताशा को बताए बिना शादी कर ले तो ये नताशा के साथ धोखा होगा। तकदीर ने हम तीनों को एक ऐसे चक्रव्यूह के गिरफ्त में ले लिया है कि हेलो, हाँ नताशा जरूर आएंगे। विकी, तुम्हें भगवान पर भरोसा है ना, तो मेरे साथ नताशा के घर आना होगा। हम तीनों मिलकर फैसला करेंगे। वो कौन होती है हमारी जिंदगी का फैसला करने वाली? विकी, तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। नताशा इज मिजरेबल, वो बेबस है। तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता विकी, जिस गलती का बोझ तुम अपनी आत्मा पर लेकर जी रहे हो, तुम्हें आज उसे उतारना होगा। नताशा जानती है कि उसे क्या करना है, और मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं क्या करना चाहती हूं। नताशा, देखो कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। तुम आज मैं कहूंगा, तुम सुनोगी और मुझे समझोगी। मैं जानता हूं तुम मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हो। मैं भी तुम्हारी इज्जत करता हूं, लेकिन तुमसे प्यार नहीं। मैं भी एक औरत हूं नताशा। मैं तुम्हारे जज्बातों को, तुम्हारे दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम विकी के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी, क्योंकि किसी भी औरत के लिए एक ऐसे आदमी के साथ जिंदगी गुजारना नामुमकिन है जो उसे नहीं किसी और से प्यार करता हो। न तुम खुश रह सकती हो न अंजलि और ना मैं। त्रिकोण में हमेशा दो कोनों का ही मेल होता है, तीनों कोने कभी नहीं मिल पाते, यही हकीकत है नताशा। मैं जानता हूं कि तुमने अपने प्यार पर सब कुछ निछावर किया। मैं ये भी जानता हूं कि मैंने तुम्हें सिर्फ दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया। मुझे माफ कर दो नताशा, मुझे माफ कर दो। पछतावा बहुत आसान है, लेकिन प्रायश्चित करना बहुत मुश्किल। इसलिए आज हर फैसले का हक मैं तुम्हें देना चाहता हूं नताशा, सिर्फ तुम्हें। और Oh, my God.
प्यार की हार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अंजलि ने जज्बात में बहकर दावा किया और मौत को गले लगाया, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। विकी, तुम मेरे जीवन साथी थे,